Hey guys, welcome to the channel. I am Jade, that random girl, and I make videos on makeup, fashion, haul, and many more things. और आज हम करने वाले हैं Amazon से must have for summer. Like must have नहीं, but मैंने ये try करने के लिए first time लिया है. Like a haul kind of a video for summer. So yeah, let's just start the video without further ado. And yes, if you are seeing this face for the first time, do subscribe my channel. तो चलो शुरू करते हैं. So guys, मैंने बहुत सारी चीजें ली है Amazon से और for the summers I want to try them. मैं Instagram पे भी इनका रिव्यू दूंगी, so stay tuned for that. But बाकी मैंने ही सबके बहुत रिव्यू सुने थे तो मैंने ऑर्डर किए फ्रॉम Amazon. So this is the first Aqualogica sunscreen. It's a watermelon variant and ये इसका proper आपको close up है. So this is like very good and light weighted formula. ऐसा मैंने सुना है, तो let's try on. My hand, oh my god, this is like a water consistency and very nice. The price will be mentioned on the screen and the MRP also mentioned, like kitne maine seal pe hi liya hai sab. So this have very mild fragrance, so I love this. So chalte hain next wali product ki taraf. सो उसके बाद फिर मैंने एक और सनस्क्रीन लिया है, बिकॉज ये सब जो है प्रॉपरली समर के लिए बहुत ही एसेंशियल है. सो दिस इज द सेकेंड सनस्क्रीन, इट्स फ्रॉम लोटस एंड इट इज वेरी गुड. मैंने इसको थोड़ा ट्राई करके देखा है, बट आप लोगों के सामने भी इसका स्वॉच मैं दे देती हूँ. इट्स लाइक अ वाटर जेल, लाइक बहुत ही लाइट होता है. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत माइल्ड है. ये मैं एक्चुअली बॉडी के लिए मंगाई हूँ, तो मैं इसे बॉडी पे अप्लाई करूंगी. सो यार, दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट एंड द प्राइस इज लाइक, इसका प्राइस है 499, बट आपको सेल प्राइस पे इसको 350 समथिंग का मिल जाएगा. सो इट विल बी मेंशन ऑन माय स्क्रीन. बहुत गर्मी है दिल्ली में, सो सॉरी गाइस. और अभी तक मैंने अपना फ्लैट, लास्ट मैंने ब्लॉग डाला हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें मैंने फ्लैट ले लिया है. बट आई हैव टू शिफ्ट ऑन 24th, अभी टाइम है, सो उससे पहले मैं ये फिल्म कर रही हूँ. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं डॉट इन की का. मैंने ये वाला सनस्क्रीन मंगाया था, आई हैव द येलो वन, सो आई वांट टू ट्राई द पिंक वन, क्योंकि मुझे पिंक इसमें, इस वीडियो में काफी से चाहिए आपको पिंक पिंक चीजें मिल रही है और मेरा बैकग्राउंड पूरा पिंक ही हो गया है मैं भी. सो दिस इज द सनस्क्रीन, लाइक गाइस कैन सी. सो ये सनस्क्रीन भी बिल्कुल लाइट फॉर्मूला है. कि आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे सनस्क्रीन यार चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड यार दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती है, तो सनस्क्रीन तो यार चाहिए. इसका फर्स्ट, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री, सो इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी, तो इसका सेकेंड मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया है. एंड ऑफकोर्स इन सबके प्रॉपर रिव्यू आपको शॉर्ट्स पर मिल जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. नेक्स्ट है ये मेकअप है. ओके, मैंने एक लिप बाम भी मंगाया था डॉट एंड की का. दिस इज द लिप बाम का बॉक्स, इसको मैं प्रॉपर ओपन करके दिखाती हूँ. जब इसकी बॉटल बहुत क्यूट है, तो मैं सब ओपन करके देख चुकी हूँ ऑफकोर्स, बट आप लोगों के सामने दिखाना चाहती थी मैं कुछ. तो यार, दिस इज द प्रॉपर डॉट एंड की का लिप बाम, बहुत ही क्यूट छोटू सा है. एंड द एमआरपी ऑफ दिस इज 295 एंड इसका एमआरपी भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन हो जाएगा स्क्रीन पे. जिसके भी मैंने प्राइस नहीं बताया, ऑफ कोर्स स्क्रीन पे दिखते रहेंगे. सो ये 15 ml का प्रोडक्ट है और या द क्वांटिटी इज वेरी नाइस, वेरी क्यूट जस्ट लाइक मी. ये भी पिंकी है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लॉस बॉस लिप बाम बाय डॉट एंड की. दिस इज ऑल्सो अ लिप बाम. मैंने लिप बाम ज़्यादा मंगवाए हैं एंड वो मंगवाए हैं और सनस्क्रीन, बिकॉज मुझे बहुत सारे लिप बाम पसंद है लगाना, मैं हर टाइम लगाती हूँ. सो दिस इज अ वेरिएंट ऑफ वाटरमेलन विद SPF 30, बिकॉज इसमें SPF है तो ये बहुत ही अच्छा है समर के लिए. दिस इज द बॉटल ऑफ इट, सो क्यूट बॉटल. सो दिस इज द क्यूट बॉटल ऑफ द लाइक बॉटल नहीं, मतलब ट्यूब टाइप का है. सो ये भी मुझे बहुत बहुत दिनों से ट्राई करना था. दिस इज फॉर 249 rupees एंड ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इसका मैंने ट्राई करके दिखा है, इसका मैं स्वॉच दिखा सकती हूँ आप लोगों को. बहुत ही लाइट फॉर्मूला है लाइक, और बहुत ही हल्का सा लोअर, लाइक कितना सही हो जाता है, हल्का हल्का टेंट भी आ जाता है.
परफेक्ट फॉर समर्स, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रात को भी मैं ये लगा के सो रही हूं कि अगले दिन भी पिंक पिंक लिप्स मिलते हैं। सो या दिस इज द आई डोंट नो द नंबर बट या दिस इज द लिप बाम। एंड नेक्स्ट मैंने एक और लिप बाम ली थी, मैंने लिप बाम सीरम एंड ये सब ज्यादा लिया है। सो या दिस इज द लिप बाम फ्रॉम लैक्मे एंड ये मैंने ट्राई किया हुआ है, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को भी। सो या दिस इज फॉर आई थिंक 199 rupees एंड या दिस इज द प्रॉपर शेड। It's a little darker for nice, but it has also SPF 15, 22 hours moisture and very mint with cooling care. इसकी स्मेल बहुत ही प्यारी है, लाइक बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है। और या इसकी क्वांटिटी है 4.5 ग्राम जो कि सही है। मैं बहुत ज़्यादा ये वाली पैकेजिंग यूज़ करती हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है मोर देन लाइक डब्बी में से लगाना, क्योंकि मेरे नेल से तो बहुत दिक्कत होती है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं सीरम की तरफ। ये सीरम तो मैंने बहुत यूज़ किया है, दिस इज द सीरम बाय लॉरियल एंड दिस लॉरियल सीरम इज अमेजिंग। ये मेरा थर्ड या फोर्थ बॉटल है एंड मैं छोटा ही मंगाती हूँ क्योंकि छोटा सही रहता है, इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। तो या दिस इज द सीरम बट बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा है। एंड ये इसका आपको फुल रिव्यू आपको शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। एंड द प्रोडक्ट MRP इज 529, द क्वांटिटी इज 15 ml जो कि थोड़ी लेस होती है बट ठीक है। तो प्रोडक्ट इज वेरी नाइस, वर्किंग वेरी गुड, इट हैज हाइलुरोनिक एसिड 1.5% हाइलुरोन सीरम एंड प्लम्स एंड हाइड्रेट्स इंस्टेंटली रेडियंट प्लस 42% ओके कॉन्सेंट्रेटेड हाइलुरोनिक एसिड। तो ये बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है, मुझे ज़्यादा हैवी वाली नहीं ट्राई करनी है अपनी स्किन पे, मुझे आई डोंट वांट टू रियून माय स्किन। सो यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही लाइट वेटेड। अगर आप न्यू हो यूज़ करने के इस फील्ड में, सीरम वगैरह ट्राई करना तो ये वाला ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लम की तरफ, ये भी बहुत ही अच्छा है। मैंने लास्ट टाइम प्लम का सीरम मंगाने के बजाय मैंने ऑयल मंगा लिया था जो कि समर में कोई यूजफुल नहीं है, वो फिल्टर के लिए बहुत अच्छा है। सो यार दिस इज सो वेट ऑलमोस्ट इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने रिफिल किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 550 rupees का है। द क्वांटिटी इज 20 ml जो कि अच्छा है। और इसको प्रॉपरली लाइट वेट है, बिल्कुल वाटर कंसिस्टेंसी है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इसका पहले ऑयल मंगा लिया था गलती से, तो वो मेरा रखा हुआ है, वो मैं विंटर में यूज करूंगी, अभी मैं सीरम यूज करूंगी। सो या चलो नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़े मेकअप की तरफ। मैंने बहुत थोड़ा सा मेकअप लिया है, थोड़े से स्विस ब्यूटी से ही मेकअप लिया है, ब्लू हेवन का एक टिंट लिया है प्रॉपरली। सो दिस इज द प्रॉपर टिंट, तो ये टिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट्स नॉट अ टिंट टिंट, इट्स अ स्टेन, सिल्क स्टेन बाय ब्लू हेवन एंड लिप टिंट विद जोजोबा आइलैंड विटामिन ई। दिस इज लाइक दिस इज अ क्यूट पिंक, यहाँ पे मेरे को पिंक पिंक ही मैंने आप लोगों को दिखाया बट इट लुक्स गुड ना, सो पिंक पिंक सारी चीजें मैंने दिखाई है। सो या द शेड इज वाओ, ये मैं कितनी बार लगा लिया है, वाटर वाटर एकदम। अगर आपको इसमें और शेड ट्राई करनी है, आई वांट टू ट्राई मोर शेड्स एज वेल। सो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट फॉर्मूला है। सो यार नेक्स्ट हम चलते हैं। अब थोड़े से मैंने ना प्राइमर एंड कंसीलर एंड फाउंडेशन मंगाया है, वो भी स्विस ब्यूटी के। सो या नेक्स्ट जो मैंने स्विस ब्यूटी का है वो है प्राइमर। दिस इज अ मूज फाउंडेशन, वेट लेस स्मूथ एंड वेलवेट टच। एंड ये मैंने एक बार ट्राई किया था, आई थॉट इट्स टिंट लाइक अ टिंट बीबी क्रीम है, पर मेरे को ध्यान नहीं था तो इसको मैंने यूज किया, तो ये बिल्कुल प्राइमर है। एंड यस गाइस दिस प्रोडक्ट इज गिव टेक माई हार्ट, सो एंड दिस प्रोडक्ट टेक माई हार्ट टोटली आउट। दिस इज वेरी गुड, इट मेक्स माई स्किन ब्लरी वेन आई डू मेकअप। मैंने बिल्कुल भी आज मेकअप नहीं किया एक्चुअली में, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत मेकअप किया है, बिल्कुल नहीं किया है मैंने, ये प्राइमर नहीं यूज़ किया है। बट हाँ बहुत गर्मी हो रही है, लिटरली मेकअप भी करने का मन नहीं हो रहा है। सो यार दिस इज द प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी प्राइमर। सो ये बहुत ही अच्छा है, लाइक हल्का सा आप लगाओ और पूरी
इसमें ना हल्का सा टिंट भी है प्राइमर के साथ साथ, तो आप इसको भी लगा सकते हो, उसके बाद टिंट जैसा यूज भी कर सकते हो। तो ये हल्का सा व्हाइट इसमें टिंट है जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका MRP 499 30 ml, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है और आराम से ये बहुत दिन तक चल सकता है, बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। मैं क्लोजअप ऑफ द फाउंडेशन बहुत रेयरली यूज करती हूँ। अगर मैं मेकअप वीडियो स्टार्ट करूंगी शूट करना, इफ यू गाइज वॉन्टेड की मेकअप वीडियो करूँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो या एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन हाइलुरोनिक एसिड 30 ml प्रोडक्ट है इसमें। सो इसमें प्रॉपरली पंप पैकेजिंग है और इसकी कवरेज वाओ, लाइक आई मस्ट से जैसा इस पे लिखा है दैट इज ट्रू। इतना सारा निकल गया यार, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द प्रोडक्ट, बट ठीक है हम इसको ट्राई करके दिखाते हैं। तो शेड तो मेरा थोड़ा ये येलो है, ठीक है विल वर्क ऑन इट। हम लाइट पाउडर यूज कर सकते हैं अगर आपका शेड येलो हो तो। सो ये देखो प्रॉपर कवरेज है इसकी, अभी भी हल्का सा मैस नहीं हुआ है, पर दिस इज द कवरेज लाइक दिस एंड दिस सी। सो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा फाउंडेशन इज वाओ, मैंने सारे हाथ पे स्वॉच किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन स्टिक था तो मुझे ये भी ट्राई करना था। This is also very nice packaging, guys can see. This is the packaging of it and this is very nice and like thick consistency. इसको आप आराम से निकालो, आराम से अप्लाई करो, बहुत ही स्मूथ है, लाइक बटर जैसा स्मूथ है यार। मतलब हल्का सा मैंने किया और पूरे में अच्छे से वो मेल्ट हो गया, ब्लेंडिंग लाइक अमेजिंग अमेजिंग। So guys, if you like this video, don't forget to hit the like button, don't forget to subscribe my channel and all the links in the description box, go check it out. All are from Amazon and Amazon have always going on the sale. So yeah, if you like the video, as I say, do like and comment and yes, tell me ki main naya video kya lau, aur abhi to vlogging start ho gaya tha, vlogging bhi dekh sakte ho saath saath. And yeah, uske alawa aap mujhe Instagram pe bhi follow kar sakte ho, tab tak ke liye, love you all, bye. You're gonna hear